बलौदाबाजार में हिंसा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से रूबरू होते हुए भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ लगाए गए आरोप पर प्रदेश सरकार को चुनौती देते हुए सबूत दिखाने को कहा। इतना ही नहीं, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इस पूरे मामले में बिलासपुर, मुंगेली सहित कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों को कटघरे में खड़ा करते हुए पुलिस को सूचना तंत्र व खुफिया तंत्र को पूरी तरह फेल बताते हुए पूरी साजिश में सरकार की मिलीभगत होने का भी गंभीर आरोप लगाया। वहीं पूर्व सीएम ने भाजपा पर तीखा कटाक्ष करते हुए रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल के बहाने भाजपा के सीनियर नेताओं को निशाने पर लिया। देवेंद्र यादव ने भड़काऊ भाषण दिया, जो तीनों मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा, उसको क्लिप दिखा दीजिए। मंच भी चढ़ी ही नहीं है, किसी समाज के लोगों ने बुलाया, वो चले गए, देखे, उसके बाद 10 मिनट रुके, चले गए, वो रायगढ़ जा रहे थे। बचत और बता दीजिए, जिन्होंने आयोजन किया, जो सारी व्यवस्था की, उसको गिरफ्तार कर नहीं रहे। तुम्हारे नाक के नीचे बैठे हुए हैं, लेकिन गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप मिली भगत, इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं जो घटनाक्रम है। और जैसे सुंदर जोगी ने बताया, वरिष्ठ पार्षद है सतनामी समाज का, तो 7 तारीख के मड़वा में इन लोगों की बैठक हुई, कौन कौन क्या क्या व्यवस्था करेगा, और सारे व्हाट्सएप में चल रहा है, हथियार ला रहा रहे हैं, दिखा रहे हैं, और विभिन्न जिले की पुलिस क्या कर रहे थे, उसके SP क्या कर रहे थे, चाहे वो बिलासपुर के हो, चाहे मुंगेली को हो, चाहे दूसरे जिले के हो, सब लोग वीडियो आप देख लेंगे, सब में हथियार हथियार लहराते दिख रहे हैं। रोकने का प्रयास किया होते, यदि इंटेलिजेंस फेल नहीं होता, यदि और दूसरे कोई आंदोलन होता, तो क्या इस प्रकार से जो जो वीडियो डाल रहे हैं हथियार लहराते, वो आंदोलन के स्थल में पहुँच पाते? क्योंकि सरकार की खुद मिली भगत थी, वो चाहते थे ये हो, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं, रोकने कोई प्रयास नहीं हुआ। उनको तो लोकसभा से इस्तीफा देना चाहिए, इनको तो हम चाहते हैं कि ही रहे। 35 साल उनकी इच्छा भी थी, 35 साल से है तो बचत समय भी है, लोकसभा चुनाव हो गए रहे, क्योंकि सीनियर एक ही मंत्री हैं। बचत तो ना अमर अग्रवाल है, ना राजेश मूणत है, ना धर्मलाल कौशिक है, ना विक्रम मंडावी है, ना लता उसेंडी है, विक्रम उसेंडी है, तो सारे सीनियर लोगों को तो साइड लाइन कर दी, एक बचा था उसको भी खो कर दी। तो ये भारतीय जनता पार्टी में यही है कि सबको मार्गदर्शी मंडल में डालने का काम हो रहा है। शिवडेरे कह रहे थे कि कांग्रेस में आ जाए।